नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सिद्धार्थ, वो दिख रहे थे। सिद्धार्थ जी आप पूछना चाहेंगे क्या? सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको? आ रही आ रही, सर प्लीज प्रोसीड। मेरे स्टेशन से, सर मेरा सवाल यह है, देश में इस समय कोरोना संक्रमण बड़े जबरदस्त तरीके से लोगों को ग्रसित कर रहा है, और ऐसे टाइम पर रेलवे लगातार प्राइवेटाइजेशन के लिए बेताब है, आखिरकार इतनी बेताबी क्यों है? ये कोई बेताबी नहीं है। देखिए, एक तरफ कोरोना है, दूसरे तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, और इकोनॉमी की ग्रोथ सबसे जरूरी है। आपने पहले क्वार्टर में देखा, तब आप कहते थे कि इकोनॉमी हम लोग की गिर गई है। जब हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आगे चलने की कोशिश करते हैं, तो आपके जैसे करेस्पॉन्डेंट्स उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमें तो इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने, ना इन्वेस्टमेंट्स के बिना तो देश कैसे आगे आ जाएगा? मॉडर्नाइजेशन के बिना कैसे देश आगे जाएगा? जब तक जिन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में, हम रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं अट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे? देश कैसे में ग्रोथ कैसे होगी? आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। तो आप एक तरफ कहते हैं कि कोरोना है, दूसरी तरफ आप कहते हैं ग्रोथ नहीं हो रही है। कोरोना ही यही एक समय है जबकि हमें ग्रोथ करनी है और रिफॉर्म्स लाके ग्रोथ करनी है। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कृषि क्षेत्र हो, एमएसएमई क्षेत्र हो, और स्पेस क्षेत्र हो, सारे क्षेत्र में रिफॉर्म्स किए गए, और यही समय है जबकि रिफॉर्म्स हो पाएंगे बड़े बड़े। बस ऐड ये करना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में हमको बदलनी चाहिए, और भारतीय रेल ने इसको बखूबी किया। और जो ये चैलेंज आया था, इसमें करीब 200 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट किए, सब बॉटलनेक्स रिमूव किए, मोबिलिटी इम्प्रूव की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हमारी फ्रेट की लोडिंग है आज सितंबर में, वो पिछले साल से भी करीब 13% ज्यादा है, सितंबर के महीने में 15 दिन में। तो इस चैलेंज को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हम जल्दी से जल्दी अपने नेटवर्क को मॉडर्नाइज करें और नेटवर्क को एक्सपैंड करें। और ये जो भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो हम ये प्रोजेक्ट है ट्रेन ऑपरेशन के लिए, जैसा कि आपको पता है कि बिडिंग प्रोसेस में करीब 1 साल लगते हैं, इस बिडिंग प्रोसेस की प्रक्रिया करीब फरवरी 21 में जाके कंप्लीट होगी, और उसके बाद से जो हम न्यू टेक्नोलॉजी की ट्रेन लाना चाहते हैं यहाँ पे इंडिया में, और जैसा कि सीओ नीति आयोग ने बताया कि ये सब ट्रेनें इंडिया में बनेंगी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बनेगी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रेन आने में करीब 2 साल लगेंगे, और ये जो ट्रेन आएंगी वो करीब मार्च 23 में चल पाएंगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि इस समय जिस गति से हम लोग अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी फाइनल करके, ताकि मार्च 23 में जब हमारा नेटवर्क में काफ़ी कैपेसिटी होगी, उस समय ये जो ट्रेनें चलेंगी हाई न्यू टेक्नोलॉजी की, वो हम चला पाएं। तो इनको ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस समय जो ये कोरोना का समय चल रहा है, जो कि एक पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, उस चैलेंज को हमको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए, और भारतीय रेल बखूबी इसको कर रहा है और आगे भी करेगा।